और किसी ने सही कहा है, तस्वीर कभी कभी पूरी अपने आप एक नॉवेल होती है। आरएसएफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो 180 देशों में पत्रकार स्वतंत्रता के मामले में 150वीं रैंक पर आता है। एक तरफ हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दूसरी तरफ 150वीं रैंक बहुत ही विरोधाभासी नजर आती है। भारत में 1,00,000 से ज्यादा अखबार, 380 से ज्यादा टीवी चैनल्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो कंट्रोल है वो कुछ पूंजीपतियों के हाथ में है, जिसके कारण जर्नलिज्म की जो क्वालिटी है वो गिरती ही जा रही है। न सिर्फ अफगानिस्तान का संघर्ष बल्कि इराक का युद्ध, रोहिंग्या शरणार्थी संकट, हांगकांग का प्रदर्शन, नेपाल के भूकंप में मचे हड़कंप सहित कई अहम घटनाओं पर अडिग होकर निर्भीकता के साथ कवर किया। रोहिंग्या शरणार्थी संकट का दस्तावेजीकरण करने के लिए दानिश सिद्दीकी को फोटोग्राफी के लिए 2018 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में दानिश को 2022 में पुनः पुलित्जर पुरस्कार के लिए भी सम्मानित किया गया। दानिश सिद्दीकी 2021 में अफगानिस्तान के संघर्ष के दौरान अफगान सुरक्षा बलों और तालिबानों के बीच संघर्ष में कवर करते हुए शहीद हो गए। कुछ पल के लिए खुलता है कैमरे का शटर और कैद हो जाते हैं हम जिंदगी भर के लिए। लॉकडाउन की वो झकझोर देने वाली तस्वीरें याद है, जिसमें एक पिता और बच्चे को कंधे पर उठाए सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर निकला था। कैमरों में आंखें आंख मिलती हुई तस्वीरें हैं। ये फिर दिल्ली दंगे में एक शख्स को घेर कर पीटती हुई भीड़ हो, चाहे वो रोहिंग्या शरणार्थियों पर बीत रहे संकट हो, चाहे वो कोविड के बीच में लाशों का समंदर हमारे देश में देखने को मिल रहा हो, वो सारी तस्वीरें हमारे दानिश सिद्दीकी ने खींची हैं। और किसी ने सही कहा है, तस्वीर कभी कभी पूरी अपने आप एक नॉवेल होती है। तो इसके लिए आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे बीच में दानिश सिद्दीकी का परिवार भी मौजूद है। और सर, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ हम नहीं, पत्रकारिता करने वाला या पत्रकारिता कर रहा हर एक व्यक्ति दानिश सिद्दीकी को एक माइलस्टोन के रूप में देखता है, और वो चाहेगा कि अगर जिंदगी का 1% भी वो अचीव कर ले तो अपने आप को वो पत्रकार कह सकता है। मैं आपको कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारियां भी देना चाहता हूं। ये दानिश सिद्दीकी अवार्ड तो है, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी अवार्ड है, उन लोगों का भी दिन है जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार से ना डर के, सरकार से ना घबरा कर भी और कम संसाधनों में भी अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, मानवीय पत्रकारिता कर रहे हैं, और जिन्हें हम पत्रकारिता कहते हैं, इतिहास के पन्नों में जिन्हें पत्रकार कहा करते थे वही पत्रकारिता आज भी वो कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज है। और मैं सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि आरएसएफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो 180 देशों में पत्रकार स्वतंत्रता के मामले में 150वीं रैंक पर आता है। एक तरफ हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दूसरी तरफ 150वीं रैंक बहुत ही विरोधाभासी नजर आती है। 2014 के बाद पत्रकारों की स्वतंत्रता के मामले में रैंकिंग लगातार नीचे गिरती नजर आ रही है। भारत में 1,00,000 से ज्यादा अखबार, 380 से ज्यादा टीवी चैनल्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो कंट्रोल है वो कुछ पूंजीपतियों के हाथ में है, जिसके कारण जर्नलिज्म की जो क्वालिटी है वो गिरती ही जा रही है। विपरीत परिस्थितियों में काम करने वालों पर कानूनी शिकंजा भी कसा जा रहा है। कोविड-19 में पत्रकारिता करने के लिए पेंडेमिक एक्ट का दुरुपयोग के चलते कई पत्रकारों के ऊपर मुकदमा भी लिखा गया कि वो सच दिखाने का काम कर रहे हैं। कई पत्रकारों को जेल भी भेजा गया। किसान आंदोलन के दौरान भी हमने देखा कि कई पत्रकारों पर हमला हुआ, उन्हें जेल भेजने का काम किया गया। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश तथा असम राज्य ने पत्रकारों के खिलाफ एक अभियान से शुरू करने का काम किया। आंगनवाड़ी में रोटी और नमक खिलाने की कहानी को दिखाने वाले उस पत्रकार प्रवन जायसवाल जी को लोगों ने अरेस्ट किया, उन पर कानूनी मुकदमा चलाया। आज वो हमारे बीच में नहीं मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस मंच के माध्यम से किसान ट्रस्ट की ओर से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं कि आज दिल्ली में बैठकर हम भले ही बहुत सारे पत्रकारों की बात कर रहे हैं, पर हमारे सुदूर जिलों में, छोटे छोटे गाँव में जो अपने जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको विशेष सलाम किसान ट्रस्ट करना चाहता है। इसके अलावा भी हम आज उन लोगों की भी बात करना चाहते हैं जो कानूनी शिकंजे के साथ साथ अपनी जान को लाइन ऑफ ड्यूटी पर निछावर कर दिया है। असम पुलिस ने हालिया में ट्वीट करने के वजह से कई पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करने का काम किया। केरल से रिपोर्टिंग करने आए सिद्दीक कप्पन को आज भी जेल में रखा हुआ है, और जबकि जमानत होने के बाद भी उन पर एक फर्जी मुकदमा दर्ज करके आज भी उनको
जेल की सलाखों के बीच में रखने का काम किया गया है। उसके अलावा कश्मीर में आसिफ सुल्तान और मन्नान दार अभी तक जेल में है। सना मट्टू को पुलित्जर पुरस्कार लेने के लिए देश से बाहर जाने का अवसर नहीं दिया गया। झारखंड के रुपेश कुमार अभी भी यूएपीए के मुकदमे में 2 साल के भीतर दोबारा जेल में है। साधना टीवी के रमन कश्यप, किसान आंदोलन आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में, उस नरसंहार में रमन कश्यप ने अपनी जान गंवाई थी, जहां एक मंत्री के बेटे ने भीड़ के ऊपर गाड़ी चलाने का काम किया था। उस पत्रकार को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं जो जनवादी पत्रकारिता करते वक्त अपनी जान को निछावर कर दिया। साथ ही साथ महिलाओं के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो सच में पत्रकारिता करने का काम कर रही है। बुल्ली बाई सुल्ली ऐप नाम के ऐप बनाए जा रहे हैं जिसे उन्हें परेशान करके उनकी जानकारियों को सार्वजनिक करके उन्हें कहीं खतरे में डालने का काम किया जा रहा है। और भारतीय मीडिया पूरी तरह आज के दौर में विज्ञापन पर आधारित है। लगभग 130 बिलियन रुपए मौजूदा केंद्र सरकार खर्च करती है, जिसकी वजह से ये जो मीडिया है ये उनके नैरेटिव को दिखाने के लिए बाध्य हो जाता है। तीखे सवालों के नाम पर आप पर्स रखते हैं, आम कैसे खाते हैं, टॉनिक कौन सा लेते हैं, सवाल दागे जा रहे हैं। मोरबी में मारे गए लोगों को अपनी ही मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है। दंगे रुकवाने के लिए बीच में कूदने वाले हमारे सबके प्रिय स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से पुरस्कार उन्हीं को दिए जा रहे हैं जो लोग समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं और समाज के अंदर दंगा भड़काने का काम करते हैं। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक समाज में जहर घोलने का ये काम, दंगा भड़काने का काम में एक पूरी जमात जुटी हुई है। और ऐसे समय में ये जरूरी हो जाता है कि उन लोगों का सम्मान किया जाए जो नौकरी, करियर, पैसा, राज्यसभा की सीट की परवाह न किए बिना भी अपनी चेतना को जागृत रखते हैं और अपने कैमरा माइक लेकर सड़क पर असली भारत की कहानी आप तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं, लोगों को जागृत करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।